नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है समाजवादी नेता अमर सिंह की। अमर सिंह और उनका दल यूपीए का घोर समर्थक है, परंतु यूपीए के मिनिस्टर और कांग्रेसी नेता इनकी सरकार पर वार करने से बाज नहीं आते। इसलिए अमर सिंह और उनका दल ये दोगुली राजनीति कैसे सह पाता है, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं अमर सिंह से ही सीधी बात। अमर सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और दोगली राजनीति का जो आपने ये प्रवचन दिया देश की जनता को, इसके लिए भी नहीं, अमर सिंह को दिया और अमर सिंह के माध्यम से आपका ये लोकप्रिय माध्यम के नाम से माध्यम से देश की जनता को भी, इसके लिए भी आपको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं वो सरकार आपके फोन टैप कर रही है, वो सरकार आपकी सरकार को डिसमिस करना चाहती है, उनके जो भावी नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी के बाद की प्रधानमंत्री बनने के, वो कहते हैं आपकी सरकार सबसे निकम्मी है, उसके बाद भी अमर सिंह जी हाथ जोड़ के कहते हैं हम हमारे नेता हैं। नहीं, ये हम नेता नहीं कहे, हमने हरदम ये कहा हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, फलदार साख है लचकती जरूर है। फल कौन तोड़ रहा है? फल कौन तोड़ा है? ये तोड़ रहे 16 लाख मतदाता मैनपुरी में, और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, सीएमपी दिल्ली में फेल हो गया, उत्तर प्रदेश में नहीं, अटल जी, सोनिया जी और मायावती जी तीनों ने मिलकर के और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने गड़बड़ियां की हैं, केंद्र की पुलिस, केंद्र के कर्मचारी, 16 लाख मतदाता, हमारा चुनाव निरस्त, और केंद्र की निगरानी में चुनाव होता है, 7,000 मत मिलता है कांग्रेस पार्टी को और 2 लाख मतों के अंतर से विजयी होते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो फल तो हम ही तोड़ रहे हैं, देश की जनता देख रही है। मैंने दोगली राजनीति की बात, दोगली राजनीति नहीं, अमर सिंह जी आप जीतते हैं कांग्रेस विरोधी धारा में, आप जीते बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भी आप जाते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के, बुलाती नहीं है फिर भी चले जाते हैं, आप समर्थन दे आते हैं, और वहां जो चले जाते हैं क्या समर्थन है, इसलिए चले जाते हैं के साथ, सीपीएम वाले भी उनकी गोदी में बैठे, आप उनकी गोदी में बैठे, दिल्ली काउंसिल और जो हमारे अखिलियत के भाई हैं वो कहते थे कि अगर वो समर्थन मांगती नहीं तो आप देते क्यों नहीं, वो तो इतिहास हो गया। मैं उसे नहीं, आपने चूंकि उस इतिहास का वर्णन फिर किया, इसलिए बिना मांगे हम समर्थन देने चले गए। मुझे इस बात का की बड़ी खुशी है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई, कि हम होम मिनिस्टर बनने गए थे, समर्थन देने गए थे और उन्होंने लिया नहीं, फिर भी हमने दे दिया। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति की ईमानदारी, आज मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और चिन्मयानंद को हमने हराया है, बीजेपी को 60 से 10 पर उत्तर प्रदेश में हमने लाया। ये राग आपने बहुत बार सुना, नहीं तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक साल के बाद जो आपने एक साल पहले जो किया था, एक साल के बाद लगता है कि आपने गलती की थी, कहीं आपके मन में लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती होगी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, हमने किसी गलती, हमने कोई गलती नहीं की, खुदा का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि मनमोहन सिंह ऐसा शरीफ आदमी मुल्क का प्रधानमंत्री है, तो जब तक मनमोहन सिंह जी मूल के प्रधानमंत्री हैं मैं इसको कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि ये मनमोहन सिंह का आपके फोन टैप करवाते हैं, उनकी मर्जी के बिना होते हैं? नहीं, देखिए मनमोहन सिंह जी के निश्चित रूप से मर्जी के बिना होते होंगे, क्योंकि उस आदमी में इतनी ईमानदारी है, उसने कह दिया कि जो झारखंडी राजनीति है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिहार के रेजोल्यूशन कर दिया असेंबली का, उसमें उनका कुछ लेना देना, ये तो बयान उनका नहीं आया है, लेकिन झारखंड के लिए उन्होंने स्पष्ट ये बयान दिया कि झारखंड में जो इस तरह से हुआ है उससे अपने आप को असंबद्ध किया, अपने आप में गंभीर घटना थी। आपका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हैं, उनके मंत्री कुछ करें, उनके होम मिनिस्टर कुछ कहें, कुछ मेरे को पता ही नहीं है, आप विश्वास करेंगे इस बात को? मनमोहन सिंह के प्रति आपको जो प्रेम है, निश्चित रूप से डर के मारे लगता है, डर है आपके अंदर कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ लेंगे आपका। आप जो कहिए, अमर सिंह किसी से डरते नहीं, और अगर मनमोहन सिंह जी के प्रति मेरे मन में आदर भाव ना होता तो मैं उनके लिए ऐसा नहीं कहता। जो बिहार में हुआ ठीक हुआ जी, जो बिहार में हुआ ठीक, बिहार में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, तो उसके लिए जिम्मेवार मेरा ये कहना है कि गरीब जनता के ऊपर चुनाव जो थोपा गया है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, मनमोहन सिंह है कि नहीं है? उसके लिए जिम्मेवार यूपीए की सरकार है, उसके लिए जिम्मेवार, उस जिम्मेवारी से सामूहिक नेतृत्व का अगर जो आप प्रश्न बता रहे हैं उससे मनमोहन सिंह जी को भी आप बचा नहीं सकते, इससे हम सहमत हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी के अंदर का जो शरीफ आदमी है, जो नैतिक आदमी है, वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीड़ित जरूर होगा, दबाव में आ जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक मर्यादा, और राज्यसभा में हमारे साथी रहे हैं और हमारे उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी हैं, तो मैं मर्यादा के प्रतिकूल कोई बयान देश के प्रधानमंत्री, इज ही रियल प्राइम मिनिस्टर? अब इस प्रश्न का उत्तर तो देश जानता है।
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश के नेता हैं, भावी पता नहीं क्या क्या बनने वाले हैं। नहीं देखिए प्रधानमंत्री सबसे बड़ा प्रदेश जो है इस देश के पार्टी के महामंत्री, इस देश के संवैधानिक प्रधानमंत्री निश्चित रूप से हैं और निश्चित रूप से। लेकिन जब उन्होंने झारखंड के मामले में जब उन्होंने बयान दिया कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उससे तो जो आपके प्रश्न के अंदर कोई मर्म है ये निश्चित रूप से ऐसा लगता है। नहीं, संवैधानिक प्रधानमंत्री हैं, इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू यू। एवरीबॉडी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। आप अमेंड क्यों कर रहे हैं, आप भी तो ऐसी बात, एक बार निकल गई बात, एवरीबॉडी तो है, फिर बोली क्या जरूरत थी, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर दैट इज अ रियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रयोग किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति भवन में जाके। वो इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है कि सेंटर ऑफ पावर उनके पास है या कहीं और भी है? नहीं, ये सेंटर ऑफ पावर तो एक जगह नहीं है, ये सर्वविदित है। और इसलिए मैं ये कहूँ कि सेंटर ऑफ पावर सिर्फ एक जगह है तो ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी और ये कहना गलत होगा। सेंटर ऑफ पावर तो निश्चित रूप से यूपीए में और कांग्रेस में जहाँ है वहाँ है। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर है, अगर मैं आपसे सीधी बात करूँ, क्या वो फुल प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है? इस बारे में मैं सीधी बात में भी कोई सीधी बात करने से गुरेज करूंगा, लेकिन अकलमंद को इशारा काफी है। मतलब आप अभी भी डरते हैं, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आपके, क्योंकि आजकल सितारे जो है ना थोड़े थोड़े गर्दिश में दिखाई देते हैं। मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व तो नहीं है कि किसी को डराए, आप सोनिया जी के लिए ऐसा कह सकते हैं। सोनिया जी के लिए कह सकते, अभी आप ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर भी है, आप इशारा कर रहा हूँ वो भी ठीक है, परंतु आप फिर भी वो सच नहीं कहना चाहते, जो आपके मन के अंदर है। मन की बात मन में ही, मेरी बात रहे मेरे मन में, कुछ कह ना सकूं उलझन में। चलो मैं उलझन आपकी सॉल्व करूंगा ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीधी बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह जी से, जो पार्टी के नेता भी हैं, स्टार भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, हीरो भी हैं, विलन भी हैं। तो उलझन में है आजकल, बहुत उलझन में हूं। सबसे बड़ी तो उलझन है कि आपसे साक्षात्कार हो रहा है। अच्छा। और आप बैठे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि आपके आजकल सितारे थोड़े से गर्दिश में हैं। आपके एमएलए डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं, कोई छोड़ के चला जा रहा है आपको, बिहार में छोड़ के चल दिया, आपके अध्यक्ष छोड़ के चल दिए, हटाया था आपने एक महीना पहले, उससे पहले एक और एमएलए क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर डिस्क्वालीफाई। उदय भान सिंह जी के डिस्क्वालिफिकेशन की बात सत्य है, और वो पहली बार एमएलए कोई डिस्क्वालीफाई हुआ क्रिमिनल। आप कहीं ना कहीं कोई इतिहास की शुरुआत होनी चाहिए, और हुआ है वो आपकी पार्टी से शुरू हो रहा है इतिहास। नहीं, अब हो रहा है तो हो रहा है, जो सत्य है उसे आप भाग कैसे सकते हैं। जब बड़ा दल होता है, बड़े दल में बड़ी संख्या होती है, तो कभी नाव पानी पर और कभी पानी नाव पर, ऐसा तो होता ही है प्रभु जी। अच्छा, पानी जब नाव पे चढ़ जाता है तो डूब जाती है नाव। नहीं, नाव डूब जाती है, लेकिन राजनीति की नाव डूब करके फिर उतर जाती है। पर आप जो लग रहा है, मैंने जो आपसे पहले कहा कि जब आपने शुरू किया था यूपी की सरकार, आपने उसे बड़े वायदे किए थे, आप यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, काउंसिल के चेयरमैन बन गए, आपने कहा 20,000 करोड़ आएगा। ऐसा लगता है कि कागजों में तो 20,000 करोड़ है, जमीन पर अभी भी 20 करोड़। दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, आपको मैं छवि दिखाता हूँ। आज एक साल के अंदर 3,000 करोड़ रुपए का निवेश चीनी के क्षेत्र में हो गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर सिर्फ अनिल अंबानी आते तो कहा जाता आप ऐसा हमारा कोई साथी कहता क्रोनी कैपिटलिज्म है। उसमें टाटा और कुमार मंगलम बिरला भी आ गए, सब कागज में है ना, अभी कागज पर। आप क्या चाहते हैं, बच्चा जब पैदा होता है 9 महीने लगते हैं, तो 9 महीने लगते हैं आज तो प्रीमैच्योर। सिजेरियन में क्या मतलब, आप क्या कहते हैं कि वो महिलाएं जो है वो कंसीव से लेकर के बर्थ तक जो है वो 1 घंटे में हो जाता है। अमर सिंह जी तो नेचुरल जो है डीएनए में विश्वास कहाँ रखते हैं, तुरंत दान महाकल्याण। ये तत्काल भोग योग जो है वो संभव नहीं है। आपने धीरे 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 रेमना धीरे सब कुछ हो, माली सीचे सौ घड़ा ऋतु आए। आप उसमें विश्वास करते हैं, सेकुलरिस्ट होते हुए आप भारतीय संस्कृति में विश्वास करने लगे। भारतीय संस्कृति सेकुलरिज्म की संस्कृति है, ये संप्रदाय। अच्छा, आप गिना रहे थे 3,000 करोड़ आ गया, ये आ गया कागजों में, सब कुछ आ गया कागजों में, वास्तविक भारत में आ गया। शुगर चीनी मिले, जो शुगर पॉलिसी हमारी सफल हो गई, आईटी नीति हमारी सफल हो गई, अजिंक प्रेम जी नोएडा में आ गए, इंटेल से बात चल रही है हमारी की 1200 करोड़ रुपए की परियोजना आ जाए। अब प्रभु जी ये तो मैं नहीं, मैं अलादीन तो नहीं, ना मेरे पास वंडर लैंप है कि मैं घिस दूं और वो कहे क्या हुक्म है मेरे आका, कोई जिन तो मेरे पास है नहीं, मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूँ, लुभा करके ला ही सकता हूँ। टाटा भी आए, बिरला भी आए, अंबानी भी आए, बजाज भी आए, और श्रीराम भी आए, और सरावगी भी आए चीनी के क्षेत्र में, अजीब प्रेम जी भी आए, और इंटेल भी आ रहा है आईटी के क्षेत्र में। हमारी आईटी नीति सफल, हमारी चीनी नीति सफल, हमारी ऊर्जा नीति सफल,
और सफलता की प्रतिमूर्ति है आदरणीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की सरकार। दूध की नदियां बह रही हैं उत्तर प्रदेश में, दूध की नदियां बहने का प्रवाह शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने अभी कहा अमेठी के अंदर कि यूपी सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ हो ही नहीं रहा आपके यहाँ। अब राहुल चिरंजीवी आयुष्मान, राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कलिया बांगी कांटों का है, हर आदमी जिसको आप अपना प्यार देते हैं वो आपके ऊपर वार कर देता है। अब हम तो समर्थन दे रहे, प्यार करने का तरीका भी आप कभी समझेंगे, हम तो समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना, समर्थन दे रहे हैं, वो ले रहे हैं हमारा, उसके बाद भी आप उसके बाद वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए, तो आप उससे पूछिए जो बेवफा हो गए। धोखा तो आपके साथ हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। अब उसमें तो मैं यही कहूंगा कि मुझे शिकवा नहीं तेरी जुदाई से, मगर बहुत गिला है तेरी बेवफाई से। राजनीतिक मोहब्बत चाहे आपने कांग्रेस पार्टी से की, चाहे मायावती से पहले की, फिर गिरा दिया उसके बाद, फिर थोड़ा सा आपने किसी और पार्टी से जाने की कोशिश की, सारे तो अब आप जाते हैं एक जगह जैसे थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं आजकल, वो थर्ड फ्रंट क्या इसलिए बना रहे हैं, चलो इधर नहीं तू नहीं और सही और नहीं और सही और नहीं कोई और सही, कोई आशिकी नहीं कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, ये नहीं है। तो आप धर धर घूम रहे हैं, कभी सुरजीत के पास चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, कभी शरद पवार को मिल लेते हैं, कभी एआईडीएम के पास चले जाते हैं, ये क्या है? सबसे संबंध है जो मिल रहा है, जिससे संबंध है, जयललिता जी से मुलाकात हुई जब वो बच्चों का हादसा हो गया था, दो जल के मर गए थे, तो जयललिता जी को एक संबंध है, उनको हम चेक देने गए थे, तो उसमें कोई राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। अब उनसे मेरे अच्छे मधुर संबंध हैं और उन्होंने बहुत अवगत किया, आदर किया, तो मैं क्या करूं। चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी, जिसकी कमेटी में भी हम थे, उसके संयोजक थे। आप थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना? थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश क्यों करें, थर्ड फ्रंट की धुरी ही हमें कांग्रेस, गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद, इस पर निरंतरता से स्थिर होकर अगर कोई दल रहा है तो समाजवादी पार्टी और नेता मुलायम सिंह। दूर तो हैं आप, पर तो रहे हम तो तीसरे मोर्चे के मूल ही हम हैं, न हम इधर हैं न उधर हैं, जो तथाकथित दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो सिकुड़ती जा रही हैं, सिमटती जा रही हैं, न हम उनके साथ हैं न उनके साथ हैं, न हम अटल जी का लड्डू खा रहे हैं न हम सोनिया जी के सत्ता का लड्डू खा रहे हैं, हम दोनों से अलग एक तीसरी धारा के प्रवर्तक निश्चित रूप से। थर्ड फ्रंट का मतलब ये है कि कोई शेप दे रहे हैं उसको, आप थर्ड फ्रंट हैं अकेले अपने आप में, नहीं आप अकेले खड़े हैं, अमर सिंह और मुलायम सिंह थर्ड फ्रंट है, बाकी कौन है आगे, आप क्या दिखाई देता है आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि तीसरे मोर्चे को कोई रोक नहीं सकता। उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व कोई कर, उसका नेतृत्व करने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी लालायित नहीं, तो आप किसी को भी नेतृत्व बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। तीसरा मोर्चा वही जो है देश की राजनीति के लिए एक सही, अपरिहार्य और ठोस मोर्चा होगा, और तीसरे मोर्चे की सरकार जब भी बनी उसे कांग्रेस ने तोड़ा है, चाहे गुजराल की सरकार हो चाहे देवगोड़ा की, तीसरे मोर्चे की सरकार इन दोनों के बिना बन नहीं सकती, उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार यूपी की सरकार हमारे बिना बन नहीं सकती, मिली जुली खिचड़ी सरकारों का दौर है, और बिहार में आदरणीय भाई लालू प्रसाद यादव जी को चुनौती देकर मात्र 2.5% वोट मिलकर कांग्रेस को पता चल गया है कि उत्तर भारत में, बार बार आपको थर्ड फ्रंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसकी धुरी हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट की सरकार तभी बन सकती है या तो आपको एक समाजवादी पार्टी को, सांप्रदायिकवादी पार्टी जिसको आप बोलते हैं बीजेपी, उसका समर्थन प्राप्त हो या कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो, बीजेपी बीजेपी थर्ड फ्रंट या कांग्रेस, बीजेपी के साथ तो प्रश्न ही नहीं उठता ना, बाहर से सपोर्ट तो मिल सकती है ना, नहीं सवाल ही नहीं पड़ा ना बाहर से ना अंदर से। आप भी रामविलास पासवान की तरह बोल रहे हैं, रामविलास पासवान की तरह भी बोले, रामविलास पासवान तो अटल जी की कैबिनेट में रह चुके हैं, अब तो अटल जी की कैबिनेट और उनके राजनीतिक संपर्क संघर्ष संसर्ग में मायावती भी 4 बार भारत भाजपा की गोद में बैठ करके अटखेलियां, राजनीतिक अटखेलियां खेल चुकी हैं, हम तो कभी उस दरवाजे ही नहीं गए। अलग बात है कि आदरणीय अटल जी ने चुनाव जमाने में जब बीपी सिंह को समर्थन कर दे रहे थे, उस पर अटल जी और मुलायम सिंह उस समय तक सब इकट्ठे थे, उस समय बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं हुई थी, उस समय हिंदू और मुसलमानों के दिल नहीं तोड़े गए थे, उस समय तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी खेल नहीं खेला था। अभी तो हाल ये है कि तेरी दौरे रहबरी में यही सुबह शाम होगा, कहीं बस्तियां जलेंगी कहीं अस्मृति, वो तो आपको भूल नहीं, 84 जैसे आप भूल गए, सिखों के साथ कुछ हुआ, बिल्कुल नहीं भूले, आप भूल गए, 84 भी भूल जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर, नहीं हम नहीं भूलेंगे, हम 84 भी नहीं भूले, आप 84 भूल गए क्योंकि आपको समर्थन दिया ना सेक्युलर सरकार को, आप नहीं 84 के अंदर 3,000 लोग मर गए, नहीं 84 बिल्कुल नहीं भूले, आप 1,000 लोगों को याद, बल्कि कानपुर में हमारे दल के हरमोहन सिंह यादव ने
सिखों की इज्जत बचाने के लिए गोलियां चलाई और उनको राष्ट्रपति का स्वर्ण चक्र एक संप्रदाय के लिए 1,700 क्या 600 लोग मरे, ऑफिशियल डेटा आ गया है। जब 3,000 लोग एक संप्रदाय के यहाँ मर गए दिल्ली के अंदर, उसके खिलाफ तो आज बोलते नहीं आप 1,000 जो तीन कौन कहता नहीं बोलते हैं, जब भी अवसर मिलता है बोलते हैं, आज भी आप बुलवा रहे हैं बोल रहे हैं। आज जो सेकुलरिज्म जो कह रहे हैं बार बार, वो तो बात का सेकुलरिज्म है ना, सबसे हिंदुस्तान के अंदर किसी एक संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा मरे, वो सबसे बड़ा कम्युनिज्म था। लेकिन क्या है वो घटना एक बार दुखद हुई इंदिरा जी के हत्या के बाद। उन्होंने माफी मांग ली, सोने जी ने भी माफी मांग ली। नहीं, माफी तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर के लिए भी मांग ली, माफी तो मोदी भी मांग लेंगे, बाबरी मस्जिद के लिए मांग ली। उन्होंने बार बार कहा हम शर्मिंदा पार्टी के शर्मिंदा लोग हैं, हमें स्वर्ण मंदिर के लिए हम शर्मिंदा हैं, हम बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए शर्मिंदा हैं। तो शर्मिंदा पार्टी के शर्मिंदा ने जाने दीजिए, एक सेंटेंस एक सवाल। लेकिन उसकी उससे जनता माफ नहीं करती। सर पूछना एक सवाल पूछना, आप इस सरकार से समर्थन विड्रॉ करेंगे या नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे। उठाए जाओ उनके सितम और दिए जा, आंसू पिए जाए मुझको। आप थर्ड फ्रंट इस पर लोकसभा बनाएंगे कि नहीं? अगर अवसर मिला तो जरूर। तो उसका नेतृत्व ही बदला जाएगा फिर, तीसरे मोर्चे का नेतृत्व तो कोई करे, अगर अवसर मिला जरूरत पड़ी तो जरूर, पीछे नहीं हटे। तो आप समझते हैं कि आप चुनाव जैसे मर्जी जीते हैं, इकट्ठा होने के लिए सिर्फ सत्ता में रहने के लिए अवसरवादिता जैसे आप बोल रहे हैं कि हारते भी हैं, गाली भी हम सितम सहे जाएंगे, क्या बोलते हैं ना? लेकिन एक चीज बता दें, ये अवसरवादिता नहीं है, यह एक नीति सेकुलरिज्म की विक्ट्री है। नहीं, सेकुलरिज्म की विक्ट्री भी नहीं है, यह संप्रदायवाद की विभीषिका से लड़ने की मजबूत जब हम सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए बाध्य करती है। जब बाढ़ आता है तो जान बचाने के लिए सांप और आदमी एक ही डाल पर रहता है। अमर सिंह जी की अभी सीधी बात करेंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर करने की कोशिश भी नहीं की आपने। काफी चीजें आपके मन के अंदर है, कब मुंह खोलेंगे अपना आप, कब आपकी पीड़ा जाएगी, कब आपका इंतजार धड़कन का उसका मैं इंतजार करूंगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।